नाक के ऑपरेशन के बाद नाक की देखभाल कैसे करें। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नाक के ऑपरेशन के बाद देखभाल कैसे करें और इसका पार्ट टू क्या नहीं करना चाहिए नाक के ऑपरेशन के बाद, इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नाक के ऑपरेशन जिसमें सेप्टोप्लास्टी, नेजल पॉलिप्स या नेजल बोन फ्रैक्चर हो, कोई भी सर्जरी होने पर नाक की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाक की सर्जरी के बाद नोज़ को पैक कर दिया जाता है और 48 आवर्स के बाद पैक को निकाल दिया जाता है। उसके बाद नोज़ का हमें किस तरह से ध्यान रखना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाक की सर्जरी होने के बाद हमें लिक्विड पैराफिन का यूज करना है। लिक्विड पैराफिन जो नेजल म्यूकोज़ा को सॉफ्ट और हाइड्रेट रखता है और यह ड्राइनेस से बचाता है, क्रस्टिंग और नोज ब्लीडिंग से भी हमें नोज को बचाता है। लिक्विड पैराफिन का यूज कैसे करें, हर 2 घंटे में 2-2 ड्रॉप नाक में डालना है। नाक के ऑपरेशन के बाद नेजल सलाइन ड्रॉप का यूज कैसे करें, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप में साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होता है जो नाक को कंजेशन करता है और नेजल सलाइन ड्रॉप नाक की स्वेलिंग को कम करता है और नोज की म्यूकोजा को मॉइस्चर करता है। नॉर्मल सलाइन की 2-2 बूंद नाक में हर 2 घंटे में डालना है। नाक के ऑपरेशन के बाद जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप का यूज कैसे करते हैं, जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप नेजल म्यूकोजा को वैसोकंस्ट्रैक्ट करता है और इसका यूज कम से कम 3 डेज और अधिक से अधिक 7 डेज से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नाक के ऑपरेशन के बाद डूसिंग या जल नेति को कैसे करें, डूसिंग करने के लिए 20 ml सिरिंज या 50 ml सिरिंज को लेना है और 1 लीटर पानी को 1 चम्मच साल्ट डालकर बॉइल करना है। ठंडा होने के बाद उस पानी को नाक में उस पानी को प्रेशर के साथ मारना है जिससे कि आपका नाक खुल जाए, जो बंद था वो खुल जाएगा। इस तरह से दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को जरूर करें जिससे कि नाक आपका खुला रहे और इस तरह से नाक की देखभाल अच्छी तरह से हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि डॉक्टर को बार बार दिखाते रहें, उनके संपर्क में रहें ताकि डॉक्टर एंडोस्कोपी कर नाक के अंदर के भाग को देख सके। नाक के ऑपरेशन के बाद नाक को ब्लोइंग नहीं करना है, साफ नहीं करना है, नहीं तो नाक से ब्लड आ सकता है।